केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2 आज स्टार्ट करेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 1 बता दिया गया है। और उस लेक्चर में आपको केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया गया था, जो कि केमिकल बॉन्डिंग का जो मेन पॉइंट है वो विन्यास से शुरू होता है। अगर आपको विन्यास आता रहेगा कि 1s2 2s2 2p6 3s2 ये होता क्या है और किस कक्षा कोई परमाणु है, उस परमाणु की किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने कितने होते हैं, उसका बहुत ज्यादा यूज होता है कि बाहरी कक्षा में कितना है। तो परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए हमने इसके पहले जो लेक्चर डाला गया था केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट लेक्चर, उसमें बताया गया था कि विन्यास निकलता है कैसे, आप भाव का नियम कैसे कैसे लगता है, हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। आज थोड़ा सा पॉइंट और चेक करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे लेक्चर नंबर 2 में। टॉपिक अपना केमिकल बॉन्डिंग से है, हमको वही सीखना है, लेकिन उसके जो सिंपल सिंपल फंडा है उसको तैयार करते हैं। आज का टॉपिक ये रहेगा कि धातु और अधातु को कैसे पहचानेंगे आप, एंड इसके अलावा सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ही बेस पर आप परमाणु की वैलेंसी कैसे निकाल पाएंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आ गया है, हम लोग एक काम करेंगे, विन्यास करेंगे, सबका विन्यास करेंगे और देखेंगे केवल बाहरी कक्षक को, और अगर इन बाहरी कक्षाओं में इनको बोलेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स। बाहरी कक्षाओं में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 आ जाए, 2 आ जाए या 3 आ जाए, बस अगर बाहरी किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 आ जाए तो उनको हम लोग धातु कहते हैं। कुछ नहीं करना आपको, बस हो गया धातु, इनको बोलेंगे मेटल्स, ये हो गए मेटल्स। और यदि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, यदि बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बोल रहा हूं 4, 5, 6 या 7 आ जाए, 4, 5, 6 या 7 आ जाए, तो ऐसे परमाणुओं को बोलेंगे अधातु, ऐसे तत्वों को बोलेंगे, जितने मॉलिक्यूल्स होंगे सबको बोलेंगे अधातु, इनको बोलेंगे नॉन मेटल। बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद यदि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 आती है तो उनको धातु बोलेंगे, 4, 5, 6 या 7 आएगा तो उनको धातु बोलेंगे, और हाँ अगर 8 भी आ जाए तो उनको इनमें से कुछ नहीं बोलेंगे, उनको बोलेंगे अक्रिय धातु, अक्रिय गैस, वो गैस होते हैं और वैसे अक्रिय होते हैं चूंकि वो किसी से क्रिया नहीं करना चाहते, उनका अष्टक पूरा होता है। बस जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम 11, इसमें देखेंगे विन्यास करके आप, तो देखिए विन्यास अगर आपको नहीं आ रहा है, हल्का फुल्का डाउट है, तो इसके पहले जो वीडियो बनाया गया लेक्चर उसमें आप चेक कर लेंगे कि विन्यास निकालते कैसे है, फिर आप यहां पर आ जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली चल रहा हूं, अगर 11 है तो आप देखेंगे 2, 8 और 1 आएगा, तो बाहरी कक्षक को चेक करना है, बाहरी कक्षक में चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां पर 1 है तो ये धातु हो गया, एंड मैग्नीशियम को चेक करेंगे 12, ये 2, 8 और 2 आ जाएगा। यहां पर देखिए बाहरी कक्षा में 2 आगे, मतलब ये क्या है, धातु है। ऐसे अगर बात करें कैल्शियम 20 की, तो 2, 8, 8 और 2 विन्यास करेंगे आप, 2, 8, 8 और 2 आएगा, मतलब ये भी क्या हो गया, धातु हो गया। तो सोडियम धातु, मैग्नीशियम धातु, कैल्शियम भी धातु है। ऐसे चेक करेंगे पोटेशियम 19 होता है, तो 2, 8, 8 और 1 आ जाएंगे, तो ये जो 1 आ गया इसका मतलब ये क्या है, धातु। आपको देख करके लिखना है, देख करके बोलना है, कहीं से भी आप देख करके बोलिए ना, 1, 2, 3 लिख लीजिए पहले कि 1, 2, 3 बारी कक्षा में आए तो देख करके लगाओ, अगर 1, 2, 3 कुछ भी आए तो धातु बोलिए इसको, और अगर 4, 5, 6, 7 आए तो क्या बोल देंगे, अधातु बोल देंगे। ये कंडीशन है। अधातु का कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अपने पास कार्बन है, इधर लिखा गया था अधातु, मान लीजिए अपने पास कोई कार्बन 6 होता है, विन्यास निकालेंगे तो 2 और 4 आएगा, देखिए बाहरी कक्षा में 4 आ गया, अब 4 माने क्या, अधातु हो गया। ऐसे नाइट्रोजन 7 होता है, निकालेंगे तो 2 और 5 आ जाएगा, देखो बाहरी कक्षा में 5 आ गया, मतलब ये क्या है, अधातु है। ऐसे बोलेंगे ऑक्सीजन निकालो, 8, 2 और 6 आएगा, तो ये भी क्या है, अधातु है। क्लोरीन 17, 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। अब जिसकी बाहरी कक्षा में 7 आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे आप, अधातु बोल देंगे, निकाल लेंगे। ऐसे एक बार फिर से, बाहरी कक्षा में अगर 1, 2, 3 आएगा धातु बोलेंगे, 4, 5, 6, 7 आ जाए तो उसको अधातु कह देंगे। बस इतना सा आपको आइडिया रहेगा, तो जितना हल्का फुल्का केमिकल बॉन्डिंग में उसको चेक कर लेंगे। ये था सेकंड, हमको सीखना है आज कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेस पर संयोजकता को कैसे निकालेंगे आप। चूंकि देखिए केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी हमको, केमिकल बॉन्डिंग का तो मेन पॉइंट वही होता है कि बैलेंसी निकलता कैसे है, चूंकि बैलेंसी से ही हमको सब कुछ सीखने को मिलेगा, बैलेंसी से हम बॉन्डिंग करेंगे,
मेन टॉपिक अपना केमिकल बॉन्डिंग है, लेकिन उसके पहले बैलेंसी निकालना तो सीखिए। इसका फंडा क्या होता है, बैलेंसी कैसे निकलती है, किसी भी एटम्स की या किसी भी एलिमेंट्स तत्व की बैलेंसी निकालते कैसे है। देखिए ये भी वही कंसेशन है, वो भी वही सिस्टम है कि बाहरी कक्षक को चेक करना आपको, और इन बाहरी कक्षकों में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए या चार तक आ जाए तो बैलेंसी वही है, कुछ नहीं करना आपको, वही बैलेंसी है। और यदि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पांच आ रहा है या छह आ रहा है, सात आ रहा है या तो आठ भी आ रहा है, तब क्या करेंगे आप, इन सभी संख्याओं को आठ से घटाओगे, जो संख्या आठ से घटाने पर आएगा वही बैलेंसी है। जैसे पांच अगर आया बाहरी कक्षा में तो आठ से घटाएंगे तो यहां पर तीन आ जाएगा, और यहां पर दो आ जाएगा, यहां पर एक आ जाएगा, यहां पर जीरो, मतलब कुछ परमाणु की बैलेंसी जीरो भी होती है, इसका मतलब बांड नहीं बढ़ा सकता। चेक करते हैं इसको। अगर बात करें ऑक्सीजन आठ की, तो दो और छह आया था, अगर यहां पर छह आया है तो छह पर जाओ बाहरी कक्षा में, छह मतलब बैलेंसी कितनी दो, तो इसकी बैलेंसी निकल के आएगी दो। ऐसे बात करें अगर हम लोग सीएल सत्रह की, तो यहां आ जाएगा दो आठ और सात, दो आठ एंड सात, बाहरी कक्षा में सात देख लीजिए ना, सात है, अगर सात है तो बैलेंसी कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, क्यों एक आया, चूंकि आठ चढ़ा देंगे आप। ऐसे ही अगर बोले कि मैग्नीशियम का बैलेंसी बताइए, तो दो आठ और दो, देखिए दो बारी कक्षा मिलाओ कहां पर, दो बारी कक्षा यहां पर, मतलब बैलेंसी वही रहेगा, तो इसका दो ही बैलेंसी माना जाएगा। ऐसे ही अगर बात करें सोडियम की, तो सोडियम होता है 11, इसमें आएंगे दो आठ और एक, तो बाहरी कक्षा में एक आया मतलब बैलेंसी कितनी आ गई, एक आ गई। ये था बाहरी कक्षा में अगर एक दो तीन चार आएगा तब तो बैलेंसी वही है, अगर पांच छह सात आठ आ जाएगा तब बैलेंसी आपको आठ से घटा करके निकालना है। अच्छा हाँ, अगर किसी में आठ आ जाएगा तो बैलेंसी जीरो आएगा, क्यों, चूंकि आठ में से आठ घटाएंगे तो जीरो आता है। देखिए कैसे, जैसे मान लो अपने पास कोई कंपाउंड से, मान लीजिए नियान ही है, नियान का होता है दस, दो आएगा और आठ, अब देखिए इसमें आठ आ गए, इसका मतलब यह है कि बैलेंसी इसकी जीरो आएगी, बैलेंसी जीरो आएगी, मतलब क्या हुआ, अगर किसी परमाणु की बैलेंसी जीरो होगी इसका मतलब क्या है, वो किसी से बांड ही नहीं बनाएगा, ये किसी से बांड नहीं बनाएगा क्योंकि इसका अष्टक पहले से भरा हुआ है। तो ये कहानी थी। तो हमने ये भी सीख लिया कि धातु अधातु कैसे पहचानते हैं और बैलेंसी कैसे निकालते हैं, किस बेस पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेस पर, कि किसकी बाहरी कक्षा में कितना है। जैसे कार्बन की बात करें, अगर कार्बन की, तो ये छह होता है, दो और चार आएगा, देखिए इस बाहरी कक्षा में चार है, यहां पर भी चार है, मतलब बैलेंसी कितनी आएगी इसकी, चार आ जाएगी। तो आप ऐसे करके निकाल लेंगे, किसी परमाणु की बैलेंसी आप निकाल सकते हैं इस प्रकार से। विन्यास कर लीजिए, बाहरी कक्षक को चेक कर लीजिए, बाहरी कक्षक में जिस इलेक्ट्रॉन जैसे भरे जाएंगे आप उस बेस पर बैलेंसी उसका निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे। तो केमिकल बॉन्डिंग का ये लेक्चर नंबर टू है। हमने धातु अधातु पहचानना सीख लिया, हमने बैलेंसी निकालना सीख लिया। हम थोड़ा सा आइडिया लेंगे आज बॉन्डिंग का, कि बॉन्डिंग है क्या, कितने टाइप्स का होता है, केवल बॉन्डिंग का टाइप्स समझेंगे, और हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे अगले चैप्टर, अगले लेक्चर में, कि बॉन्डिंग कैसे कैसे बनती है या जो टाइप्स है किस प्रकार से होते हैं। तो आज टाइप्स की बात हो रही है कि बॉन्डिंग कितने प्रकार का होता है। देखिए टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, अच्छा ये बॉन्डिंग है क्या, ये बॉन्डिंग क्या होता है, इसको बंध कहते हैं, बंध, और बंध का मतलब ये होता है जुड़ने, जुड़ने की क्षमता। तो परमाणुओं के बीच में देखिए, जैसे एच और एक एच है, तो ये दो परमाणु है, इन दो परमाणुओं के बीच में जो एक बल होगा, जिस बल से ये दोनों परमाणु आपस में जुड़े होंगे, उसी बल को बोलेंगे बंध। तो परमाणु आपस में जिस बल के द्वारा बंधे होते हैं उनको बंध कहते हैं। कोई भी दो परमाणु आपस में जिस बल के द्वारा बंधेंगे या जुड़ेंगे उन्हीं को बंध कहेंगे आप, उन्हीं को बांड कहते हैं, उन्हीं को बॉन्डिंग कहते हैं। अच्छा ये बांड जो होता है जी, तो आ जाएगा बंध, मतलब दो परमाणु आपस में जिस बल से जुड़ा होगा उसी को बंध कहेंगे। और ये बंध खास करके तीन टाइप का होता है, खास करके तीन टाइप का होता है, और उन्हीं तीनों का यूज पूरे केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा है। तो तीन टाइप्स में एक को बोलेंगे, एक को बोलेंगे आयनिक बंध, एक को बोलेंगे आयनिक बंध, तो इनको इंग्लिश में बोलते हैं आयनिक बांड, आयनिक बांड। एंड सेकेंड एक होता है जिसको बोलते हैं सहसंयोजी बंध,
सहसंयोजी बंध, और इनको बोलेंगे कोवैलेंट बांड, कोवैलेंट बांड। एंड तीसरा होता है जिसको बोलेंगे उपसहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध, और इनको बोलेंगे कोआर्डिनेट, कोआर्डिनेट बांड, कोआर्डिनेट बांड। तीन टाइप्स का हो गया, एक तो आयनिक बांड हो गया, एक कोवेलेंट बांड हो गया, और एक कोऑर्डिनेट बांड हो गया। हमको यही तीन खास करके पढ़ना है। और मैं बता दूं आपको कि सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में यूज जो बांड होगा वो ये है, कोवेलेंट बांड, क्योंकि हमको इसकी इसमें ज्योमेट्री आती है, हमको ज्योमेट्री पढ़नी होती है कोवेलेंट बॉन्ड्स की ज्योमेट्री कैसी होती है। तो आयनिक बांड, कोवेलेंट बांड एंड कोऑर्डिनेट बांड, हमको ये पढ़ना है आगे। और बांडिंग कैसे होती है, खास करके ज्यादा फोकस हमको यहीं पर करना है। इसके अलावा बहुत सारा सिस्टम है, हमको इसी चैप्टर में संकरण भी पढ़ना है, और हमको इसी वाले पाठ में बीबीटी एक थियरी है, वस्पर थियरी है, हमको वो सब पढ़ना है। बीबीटी थियरी, वस्पर थियरी एंड संकरण खास करके पढ़ना है। इसके अलावा सिग्मा बांड क्या होते हैं, पाई बांड क्या होते हैं, वो सब आपको आइडिया तब होगा जब ये सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। और ये बहुत ही आसान कहानी है, थोड़ा सा इनके बारे में सीख लेते हैं। आयनिक बांड, आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध एंड उपसहसंयोजी बंध कहाँ कहाँ बनेंगे। देखिए आयनिक बंध वहीं पर बनेगा जो यौगिक धातु और अधातु से मिलकर के बना होगा, धातु एंड अधातु, जो धातु और अधातु से मिलकर के बना होगा उन्हीं में बनेगा आयनिक बंध। और ये वहां बनेगा जहां पर सभी अधातु होते हैं, वहां पर धातु होगा ही नहीं, जहां पर सभी अधातु नॉन मेटल्स होते हैं, तो नॉन मेटल्स के बीच में जो बांड होगा उसको बोलेंगे कोवेलेंट बांड। और यहां पर ये भी अधातुओं के बीच ही बनता है, ये भी अधातुओं के बीच ही बनता है। ये केवल आयनिक बांड जो होगा वो धातु और अधातु के बीच बनेगा, सहसंयोजी बंध एंड उपसहसंयोजी बंध ये दोनों अधातुओं के बीच ही बनते हैं। अगले लेक्चर्स में हम लोग ये सीखेंगे कि ये आयनिक बंध है क्या और आयनिक बंध बनता कैसे, पूरी थियरी पढ़ेंगे उसकी। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, थोड़ा सा पॉइंट था कि धातु और अधातु पहचानते कैसे, बैलेंसी निकलती कहती है। अच्छा अभी हमको एक बात और सीखना है, वो अगले लेक्चर में बताया जाएगा आपको कि बैलेंसी होती क्या है, परिभाषा कैसे बनाएंगे, बैलेंसी है क्या। बॉन्डिंग, एक परमाणु जो होते हैं, दो परमाणु आपस में जिस बल से बंधा होगा उसको बंध कहते हैं, ठीक है, लेकिन रियल में क्या होता है, कैसे कैसे होता है, हम लोग उसको देखेंगे अगले वाले लेक्चर्स में।